जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग उजास एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। आप में से बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि आज उजास एनर्जी लिमिटेड कंपनी की इस चैनल पर बात क्यों हो रही है, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कंपनी ने हाल ही में बोनस शेयर्स देने का अनाउंसमेंट किया हुआ था। तो उस बोनस शेयर्स का और जो रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट का पता लग गया है, तो उसके बारे में बात होगी। साथ में हम सभी जानते हैं कि ये कंपनी अभी IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोर्ट, आसान भाषा में कहें तो दिवालिया की प्रक्रिया से स्टॉक यह गुजर रहा है। तो इसके बारे में क्या अपडेट है, कब से इसमें ट्रेडिंग शुरू होगी, आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में भी बताने के लिए आज इस चैनल पर उजास एनर्जी लिमिटेड की बात हो रही है। लेकिन जो मेजर जनता है, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, उनमें से बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इस चैनल पर जो बात होती है वो उस स्टॉक की बात होती है जिसका शेयर प्राइस बहुत कम होता है, यानी कि खासकर पेनी स्टॉक की बात होती है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे स्टॉक की बात हो रही है जिसका शेयर प्राइस काफी बढ़ गया है। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि शेयर का प्राइस अभी आपको ज्यादा दिख रहा है। मैं चार्ट पर जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि शेयर का प्राइस बहुत निचले स्तर से, कह सकते हैं कि एकदम 0 रुपए से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ था, और 0 रुपए से ये प्राइस बढ़कर अभी 480 यानी कि तकरीबन 500 रुपए के करीब पहुंच गया है बहुत कम समय में। पहले आप चार्ट ही देख लीजिए, फिर मैं आगे इसके बारे में अपडेट देने वाला हूँ। 1 साल का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया, वो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि प्राइस एकदम सपाट चल रहा था, नीचे एकदम 0 रुपए के आसपास प्राइस था। लेकिन यहाँ पे दिसंबर जनवरी के आसपास प्राइस उठना शुरू हुआ, मूवमेंट होना शुरू हुआ, और मूवमेंट होने के बाद जो प्राइस एक बार उठा उसके बाद से प्राइस रुका नहीं, और लगातार प्राइस ऊपर बढ़ते जा रहा है, और आगे अभी कितना ऊपर बढ़कर जाएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि कंपनी के कॉरपोरेट एक्शन जो हो रहे हैं समय समय पर, कंपनी के जो फंडामेंटल मजबूत हुए हैं, ये उसका देन है। हालांकि दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि इंडेक्स वेबसाइट पे BSE एक्सचेंज ने इसको क्या किया हुआ है कि इसमें ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड कर रखी है, क्योंकि अभी 9 सितंबर से भी हाल ही में पहले इसमें ट्रेडिंग चालू था गाइस, अभी ये सितंबर मंथ में 9 तारीख से इसमें ट्रेडिंग बंद किया गया है। और चूंकि दिवालियापन की प्रक्रिया से स्टॉक गुजर रही है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सबसे पहले BSE इंडेक्स वेबसाइट पे ही आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं BSE इंडिया की वेबसाइट पे आने के बाद मैंने इस स्टॉक को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे उजास एनर्जी लिमिटेड के नीचे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, पढ़ सकते हैं कि ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोर्ट, हम कहते हैं दिवालियापन की प्रक्रिया से चुकी स्टॉक अभी गुजर रहा है, IRP स्टेज 1 में भी रखा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, जिस वजह से इसमें ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड है। हालांकि ट्रेडिंग वाले पार्ट को भी छोड़ के नीचे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में 1:4 का बोनस देने का स्टॉक ने अनाउंसमेंट किया था। हर एक 4 शेयर पे 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा जिसके पास पहले से इस कंपनी के शेयर है, कितने पहले से, 20 सितंबर के पहले से, ये इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट और एक्सपायरी डेट अब एक ही हो गया, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। 20 सितंबर 2024 के पहले जिस व्यक्ति ने भी इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लिया होगा, हालांकि बाय तो वही लोग कर पाए होंगे जो लोग 9 सितंबर के पहले इस कंपनी के शेयर्स को बाय किए होंगे, क्योंकि 9 सितंबर के बाद तो ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ट्रेडिंग बंद हो गया, तो बाय सामान्यतः कोई नहीं कर पाया होगा। तो जो लोग भी पहले से बाय करके रखे होंगे उनको ये शेयर मिलेगा। और चूंकि अभी IRP के और प्रोसेस से स्टॉक गुजर रहा है, इसमें क्या होगा कि कोर्ट के माध्यम से जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा, हो सकता है दूसरी कंपनी इसको बाई कर ले, जो भी कंपनी बाई करेगी फ्यूचर में रन करेगी और ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा, मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी बाई करती है और उसमें इस कंपनी का विलय हो जाता है, तो उसके नाम से ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और जो IRP यानी कि जो दिवालियापन की प्रक्रिया से स्टॉक अभी गुजर रहा है, जो कोर्ट में इसका अभी विवाद चल रहा है, ये अभी अपने निरंतर जो माध्यम होता है उसके हिसाब से चलते रहेगा, दोनों काम होते रहेंगे साथ साथ। मेन चीज क्या है कि यहाँ पे आप न्यूज में भी देखेंगे, मैंने यहाँ पे इस कंपनी का न्यूज ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, पहले एक बार न्यूज पढ़ने में मजा आएगा, फिर और आगे भी अपडेट देख लेंगे। 1900% चढ़ा है पिछले कुछ समय में ये स्टॉक, और काम क्या करते हैं ये गैस ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है, पावर जनरेटेड यहाँ पावर जनरेटेड का मतलब है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी से 16 से 20 सितंबर के बीच कारोबारी सेशन के दौरान फोकस में रह सकता है स्टॉक। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि 20 सितंबर का जो डेट है रिकॉर्ड डेट है, और यहाँ पे जो 1:4 के रेशियो में स्टॉक का बोनस देने वाला, यह भी इसमें बात यहाँ पे कही गई है। अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उजास एनर्जी दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रही है, 9 सितंबर से इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रहा जैसे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 52 रुपये का लो देखेंगे तो 2 रुपये है, और हाई देखेंगे तो 532 रुपये, कितना ज्यादा इसमें कमाई हुआ है, कितने मतलब अच्छे रिटर्न इस स्टॉक निकाल कर दिए, कितने लोगों को मालामाल बनाई इस स्टॉक ने, आप समझ सकते हैं, जिन लोगों ने भी इसमें पैसा बना लिया है। जो लोग फंसे हुए हैं वो भी, चूंकि IRP के प्रक्रिया से गुजरने के बाद स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू होगी तो उनको भी तो फायदा होगा ही, लेकिन फिलहाल नहीं बेच पा रहे होंगे, वो दर्द मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं IRP की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें नियामक फाइलिंग के अनुसार बोर्ड ने बोनस शेयर अकाउंटिंग पर विचार किया है, और
मंजूरी दे दी है और शुक्रवार 20 सितंबर 2024 को बोनस शेयर काउंट रिकॉर्डेड की मंजूरी दे दी। यानी कि जो मैंने बताया वही बात यहाँ पे लिखा गया है, बस आपको ओवरऑल बात यह है कि वेट करना है आईआरपी के प्रोसेस से बाहर निकलने के लिए, और जैसे भी होगा आईआरपी के प्रोसेस से स्टॉक बाहर आई जाए, काफी बढ़िया स्टॉक हो जो सेक्टर में कामकाज करते हैं, ये भी बढ़िया फंडामेंटल भी ठीक है, तो आ जाएगा बाहर आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी, कुछ दिनों की दिक्कत है, बस आप वेट कर लीजिए। और इससे रिलेटेड मन में कोई सवाल है कंफ्यूजन है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।